भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। अब अगर बात की जाए तो फ्रांस में, पूरे फ्रांस में इंडिया की टेक्नोलॉजी भी आने वाली है, इंडिया का यूपीआई भी लॉन्च होने वाला है। साथियों, आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत आईफेल टावर से की जाएगी। बल्कि मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा है कि उसका जो स्टार्ट है वो फ्रांस पेरिस से होगा और वहां पे लोग जो हैं एफिल टावर पे अपने फोन के जरिए रुपयों में परचेज कर पाएंगे। जिन ममालिक की टेक्नोलॉजी डिफेंस में इंडिया ले रहा है या डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजी या जो भी मुआहिदे हो रहे हैं, वो लोग बड़ा इम्प्रेस हो रहे हैं कि भारत की टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, तो हम भी उसे अपने मुल्क में जो है वो लॉन्च करें। हमारे अंदर क्यों नहीं ये लोग इस तरह यूपीआई को इस्तेमाल, क्यों नहीं इसको कोई पेमेंट सिस्टम इन्वेंट कर रहे हैं? एक्सपोर्ट करने के लिए कोई आईटी वाली चीज है होती तो एक्सपोर्ट करें ना। हमारे पास तो यही है कि हमारे पास चीजें ही नहीं है। एक्सपोर्ट भी गधे हैं तो गधे ही एक्सपोर्ट करेंगे ये लोग। पाकिस्तान का एंटी इंटेलेक्चुअल, एंटी नॉलेज आइडियोलॉजी बन चुकी हुई है। हमारे क्यों गूंगे हो जाते हैं, मेक इन पाकिस्तान क्यों नहीं कह पाते? हम सिर्फ बेवकूफ बनाना जानते हैं लोगों को या दुनिया को। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, अभी हाल ही में ही मोदी जी फ्रांस के दौरे पर थे और उन्होंने वहां भारतीय कम्युनिटी को संबोधित करते हुए यूपीआई को लेकर बड़ा ऐलान किया है। और ऐलान ये है कि फ्रांस की गवर्नमेंट ने भी अब फाइनली यूपीआई को एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसी के हवाले से देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया क्या कहता है। सबसे ज्यादा बड़ी मैं समझता हूं उन्होंने की है कि वो यूपीआई जो है उसको उन्होंने यूनाइटेड पेमेंट सिस्टम जो है उनका, उसको उन्होंने जो भारतीय विजिटर आया करेंगे, बल्कि मोदी जी ने अपने स्पीच में कहा है कि उसका जो स्टार्ट है वो फ्रांस पेरिस से होगा और वहां पे लोग जो हैं एफिल टावर पे अपने फोन के जरिए रुपयों में परचेज कर पाएंगे। अब यूपीआई जो है 7 साल पुराना सिस्टम है, भारत के अंदर इस वक्त 260 मिलियन उसके यूजर हैं, 330 इंडियन बैंक्स उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं और 10 इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं जो उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ब्राजील ने उनकी कॉपी कर ली। अब मेरा ये मैं थोड़ी देर में बताना चाहूंगा, हमारे अंदर क्यों नहीं ये लोग इस तरह यूपीआई को इस्तेमाल, क्यों नहीं इसको कोई पेमेंट सिस्टम इन्वेंट कर रहे? क्योंकि करप्शन कम हो जाती है, टैक्स ब्रैकेट बढ़ जाती है, चीजें रेकॉर्ड पे आ जाती है ना, कैश रजिस्टर कैश कम हो जाती है। तो हमारी हर चीज, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर हर चीज करप्शन रिलेटेड है। मेरा ख्याल है उसमें वहां पे हम ईमानदारी चाहते ही नहीं कि लोग टैक्स ज्यादा दें, ये भी नहीं हम चाहते, क्योंकि हर जगह करप्शन। हमारे अंदर सिस्टम क्यों नहीं है, किस तरह का बनाया जा रहा? अब मैं दूसरी बात बताऊंगा। सबसे बड़ी बात जो इस वक्त जो जहां पे मैंने देखा कि मोदी जी गए हैं वहां पे, वहां हर जगह पे मेक इन इंडिया लिखा था, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। अब मेरा फिर यही सवाल है कि हमारी सेलिब्रेशन इस वक्त हो रही है कि 1.2 बिलियन आ गया जी, आईएमएफ से आ गया, सऊदी अरेबिया से पैसे आ गए, हमारे क्यों गूंगे हो जाते हैं, मेक इन पाकिस्तान क्यों नहीं कह पाते? क्या वजह है? सर, बना क्या रहे हैं पाकिस्तान में जो नहीं, पाकिस्तान सिर्फ बना रहा है तो बेवकूफ बना रहा है पूरी दुनिया को, और आज से नहीं है, 76 साल से बना रहा है। ये देखे ना, आईएमएफ को भी बेवकूफ बनाया, फिर सऊदी अरेबिया को बेवकूफ बनाया, फिर चाइना को बेवकूफ बनाया। हम सिर्फ बेवकूफ बनाना जानते हैं लोगों को या दुनिया को? हमने आज तक मेक इन पाकिस्तान का हमारे मुंह से किसी ना अमीरुल मोमिनीन के मुंह से निकलता है मेक इन पाकिस्तान। वो कहते हैं जी अमेरिकन डायस्पोरा जो है, डॉक्टर है मेरे, वो आप पैसे लाएंगे और उससे दूध की रहे ना, ये नून लीग के मुंह से निकलता है मेक इन पाकिस्तान, किस ना पीएस पार्टी के मुंह से निकलता है। पीएस पार्टी के हवाले से बताना चाहूंगा मैं, बल्कि आप मैं ये तो मैंने चले 3-4 चीजें मैंने आपको फ्रांस के हवाले से मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमारी सिचुएशन क्या है इस वक्त। आपकी सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान में क्या चल रही है, नजफ हमीद है, फैज हमीद का भाई है, पटवारी था, ग्वादर गुरदावर था, उनके घर चोरी हुई है, घर में डाका पड़ा है, सवालिया निशान है, सवालिया निशान कि एक पटवारी के घर पे 1.7 करोड़ रुपया कैश पड़ा था। बिल्कुल, ये नेशनल न्यूज आपकी है यार। दूसरी सबसे बड़ी न्यूज क्या है,
कि अमीर उल मोमिनीन ने इद्दत किए बगैर निकाह कर लिया था, ये दूसरी सबसे बड़ी खबर है। तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि आपका एक बहुत बड़ा जज है जो एची सोनियन है, कोलंबिया से पढ़ा है, कैमरे से पढ़ा है, उसको इंसाफ देने से कोई गरज नहीं है, वो मनसूबा बंदी, वो पॉपुलेशन प्लानिंग के ऊपर सेमिनार का है। या तीन बड़ी खबरें मैं आपको कंपैरिजन देना चाह रहा था ना कि आप भी काले बाकी सर मुबारकबादें चल रही है कि आईएमएफ से पैसा मिल गया, यूएई से मिल गया, बाकी न्यूज सिर्फ उसी को कवर कर रही है कहाँ कहाँ से पैसा मिला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।